हेलो दोस्तों, आज टेक्निकल एनालिसिस में हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी का नाम है ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड सेटअप। तो ड्यूअल पीरियड यानी दो टाइम फ्रेम रहेगा एंड बोलिंजर बैंड को वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक ट्रेडिंग सेटअप को डिसाइड कर पाए, एक ट्रिगर हम डिसाइड कर पाए एंड उसके साथ एक टारगेट एंड एक स्टॉप लॉस। सो ड्यूअल पीरियड का मतलब है दो टाइम फ्रेम, और यहाँ पे जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे उसका नाम है बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर, उसको हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या देखेंगे कि टू टाइम फ्रेम सेटअप, एक होगा हायर टाइम फ्रेम, दूसरा हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे जो हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, उस दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? तो हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के बीच में रिलेशन कैसा होगा? रिलेशन का मतलब, हायर टाइम फ्रेम अगर आवर्ली है तो हम लोअर टाइम फ्रेम किसको पकड़ेंगे? हायर टाइम फ्रेम अगर 15 मिनट का है तो लोअर टाइम फ्रेम हम किसको पकड़ेंगे? हायर टाइम फ्रेम अगर डेली है तो हम किसको लोअर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे, एंड सो ऑन। तो ये जो हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, क्योंकि नाम जो बता रहे हैं ड्यूअल पीरियड यानी दो पीरियड, सो दोनों पीरियड के बीच में क्या रिलेशनशिप है? दोनों पीरियड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो 4 to 6 times। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं कि आवरली, आवरली का यानी 60 मिनट्स। तो हायर टाइम फ्रेम अगर 60 मिनट्स का होगा तो लोअर टाइम फ्रेम आप 15 मिनट का ले सकते हैं। 15 मिनट का अगर लेंगे तो 15 मिनट वर्सेस 60 मिनट्स का रिलेशन क्या होगा? 1:4। सिमिलरली 15 मिनट की जगह पे कोई अगर चाहे तो यहाँ पे 10 मिनट भी ले सकता है, क्योंकि 10 मिनट और 60 मिनट के बीच में क्या रिलेशन है? 1:6। ठीक है। सिमिलरली अगर हम जैसे वीकली अगर हायर टाइम फ्रेम होगा तो डेली लोअर टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि जनरली वीक, एक वीक में 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं जो 4 to 6 के बीच में होता है। तो अगर हम हायर टाइम फ्रेम वीकली लेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम हम क्या पकड़ेंगे? डेली। सिमिलरली अब देखो, अगर हम हायर टाइम फ्रेम मंथली पकड़ेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम वीकली होगा, क्योंकि इन ए मंथ देयर आर 4 वीक्स। कभी कभार 4.5 भी हो जाते हैं, तो बट जनरली इट्स ए 4 वीक ट्रेडिंग डे। तो वहां पे वीकली एंड मंथली के बीच में जो रिलेशन है, 4 वीक्स कॉम्प्राइजेस ऑफ ए 1 month। तो अगर हम मंथली को हायर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो वीकली को लोअर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। अगर हम डेली को हायर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट है, दो एस्पेक्ट। जैसे हम अगर करेंसी मार्केट पकड़ेंगे तो डेली वर्सेस 4 आवरली हो जाएगा, क्योंकि डेली में 24 घंटे होते हैं एंड 4 घंटे का एक लोअर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो आपका हो जाएगा क्या? 1:4 का रिलेशंस। अगर हम इंडियन इक्विटी मार्केट लेंगे, जहाँ पे हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट में सुबह 9:15 को चालू होता है और 3:30 बजे खत्म हो जाता है, तो इन सच ए सिनेरियो हमारा हायर टाइम फ्रेम हो जाएगा डेली, तो लोअर टाइम फ्रेम हो जाएगा आवर्ली, तो 1:6 का। अगर हम 15 आवर्ली to 15 मिनट्स या आवर्ली to 10 मिनट भी कोई चाहे तो ले सकते हैं। अगर हम 15 मिनट का हायर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो 3 मिनट का हम लोअर टाइम फ्रेम ले सकते हैं, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? 1:4। तो ये जो रिलेशन बिटवीन हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम, उसमें आशा करता हूं कि आप लोगों का जो क्लैरिटी आ चुका होगा। अगली एक क्वेश्चन है कि अगर हम 30 मिनट्स को हायर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे तो
किसको लोअर टाइम फ्रेम पकड़ेंगे। दो ऑप्शन है, एक है 10 मिनट का, दूसरा वाला है 5 मिनट का। अगर 10 मिनट का पकड़ेंगे तो 10 10 10 यानी 3 10 मिनट मिला के 30 मिनट होगा, जो 4 4 2 6 में नहीं हो रहा है। अगर हम 5 मिनट का पकड़ेंगे तो 5 5 5 5 करके 6 5 मिनट मिला के 30 मिनट होगा, करेक्ट। तो आप बताओ कि 30 मिनट अगर हायर टाइम फ्रेम होता है तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होगा, 5 मिनट या 10 मिनट। होप द रिलेशनशिप बिटवीन हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम इज क्लियर, आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अभी हम आते हैं, वंस द हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम इज डिसाइडेड, उसके बाद क्या करना है। तो क्या करना है कि हमें देखना है कि हायर टाइम फ्रेम प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड से सेंट्रल में सेंटर बैंड में जा रहा है या हायर अपर बॉलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है। इसको अगर हम जब हम चार्ट में जाएंगे तो पूरा का पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि हायर टाइम फ्रेम जो है वो लोअर बॉलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में जा रहा है या अपर बॉलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है। अगर ये लोअर बॉलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में जा रहा है तो आपका लोअर टाइम फ्रेम किधर होगा, अपर बॉलिंजर बैंड में होगा। अगर हायर टाइम फ्रेम अपर बॉलिंजर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आ रहा है उसके बाद हमें देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम कहां पे जा रहा है। ये जब हम प्राइस में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वंस द सेटअप इज आइडेंटिफाइड, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेसिकली हमारा जो लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। अगर बाय करना है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेना है, अगर सेल करना है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करना है। जब भी वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें ट्रेड लेना है। अभी थोड़ा सा चार्ट जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका बॉलिंजर बैंड। फिलहाल यहाँ पे हम RSI को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। RSI को किसी को अगर स्पेशलाइजेशंस है तो उसको एड ऑन कर सकते हैं। तो ये जो लाइन है यहाँ पे देखिए, ये अपर बैंड, ये सेंटर बैंड, ये लोअर बैंड, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, ये 1 मंथ का है। राइट साइड में क्या है, 1 वीक का है। ये आप देखोगे प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आ रहा है। जब ये सेंटर बैंड में आया है तो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड में है, हायर टाइम फ्रेम अपर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है एंड सेंटर बैंड में सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। तो लोअर टाइम फ्रेम जो है वो लोअर टाइम फ्रेम का जो उसका जो बॉलिंजर बैंड होगा, यहाँ पे वीकली इज द लोअर टाइम फ्रेम, तो प्राइस लोअर बॉलिंजर बैंड में रहेंगे। तो वहां पे हमको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक करके क्लोज देगा वहां पे हम बाई कर सकते हैं। ये पहले हम सेटअप को डिस्कस कर लेते हैं, देन टारगेट सेटअप एंट्री सब डिस्कस करेंगे। तो पहले सेटअप डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन, हायर टाइम फ्रेम प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है, उसका लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, बाय करना है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, सेल करना है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करना है। तो
ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अभी तक हमने कहाँ पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। ये क्या था, मंथली वर्सेस वीकली, ये वीकली का प्राइस एक्शन आ गया। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये वीकली वाला था, तो उसको चाहे तो आप और एक टाइम फ्रेम ड्रिल डाउन करके प्राइस एक्शन देख सकते हैं। अभी हम इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यूअल पीरियड में ही रहेंगे। यहाँ पे देखिए प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया है ऑन हायर टाइम फ्रेम। कौन सा स्क्रिप्ट है, ये है आपका ब्रिटिश पाउंड यानी जीबीपी डॉलर। तो हायर टाइम फ्रेम हमने कौन सा लिया, वन डे। तो करेंसी के लिए 24 आवर मार्केट है, तो हम क्या करेंगे, 4 आवरली का चार्ट लेंगे एज ए लोअर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम में प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आ रहा है, और लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक्चुअली ट्रेंड लाइन बराबर आया नहीं है, यहाँ पे देखिए ये उसका उल्टा, प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ जाके रेजिस्टेंस लिया है। तो सेलिंग के लिए प्राइस क्या होगा, लोअर बैंड से सेंटर बैंड में आएगा। तो जब सेंटर लोअर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आएगा, लोअर टाइम फ्रेम वाला प्राइस अपर बैंड में रहेगा। उसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेंगे, ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे धर्म करके नीचे की तरफ। यहाँ पे देखिए ये डेली निफ्टी का है, तो डेली है तो हम यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम कौन सा लेंगे, आवरली पकड़ेंगे। प्राइस देखिए लोअर बैंड से सेंटर बैंड में जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो आवरली पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आएगा। यहाँ पे ये बराबर आया नहीं है, इस टाइप का एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट आएगा, उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे दराम करके नीचे। यहाँ पे देखिए बाई के लिए प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है, ये कौन सा टाइम फ्रेम है, 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स का अगर हायर टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट या 10 मिनट आपका लोअर टाइम फ्रेम होगा, क्योंकि 10 मिनट एज वेल एज 15 मिनट दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो जैसे ये सेंटर बैंड में आया तो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बोलिंजर बैंड में है, एंड जैसे ही एक ट्रेंड लाइन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेसिकली बराबर हुआ नहीं है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा तो आपका ट्रेड ऑन। यहाँ पे देखिए प्राइस अपर बैंड से बाई के लिए क्या होगा, अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ आएगा ऑन हायर, अपर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आएगा ऑन हायर टाइम फ्रेम। सेलिंग के लिए प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आएगा फॉर सेलिंग पर्पस। तो जैसे अपर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आ रहा है ऑन हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो गया, नीचे आ जाएगा, नीचे लोअर बोलिंजर बैंड में आएगा। उसके बाद ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एक ड्रॉ करेंगे उसके हाई के ऊपर ऊपर। यहां पे देखिए प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया है, जब ये सेंटर बैंड में आया है तो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड बोलिंजर बैंड में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस खींचेंगे उसके ऊपर ऊपर की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सेलिंग के लिए लोअर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ, सेंटर बैंड में आने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे वीकली अगर हायर टाइम फ्रेम है डेली हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम, तो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ऑन अपर बोलिंजर बैंड में। उसके बाद अगर हम एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस खींचेंगे तो इसके लो के नीचे सेल। यहाँ पे देखिए डेली वर्सेस आवरली, प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ आया, जब सेंटर बैंड की तरफ आया तो हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, लोअर टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस डालेंगे उसके हाई के ऊपर बाय। तो हम फिर और एक चार्ट देखते हैं। अच्छा यहाँ पे उसी का जो लोअर वर्जन, जो मैं यहाँ पे फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ दो ही चार्ट रख रहा हूँ। अभी हम
क्या करेंगे, फिर लाइफ चार्ट में जाके ढूंढने का कोशिश करेंगे, एक रिविजन हो जाए। ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड, ड्यूअल पीरियड यानी दो टाइम फ्रेम होगा एंड बोलिंजर बैंड सेटअप होगा। तो ड्यूअल पीरियड का रिलेशनशिप क्या होगा, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में 4 to 6 टाइम्स का गैप, टाइम फ्रेम का गैप रहेगा। अगर वीकली है तो डेली होगा, मंथली है तो वीकली होगा, डेली है तो 4 आवरली होगा इन केस ऑफ करेंसी मार्केट, और इन केस ऑफ हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट डेली टू आवरली होगा। अगर आवरली होगा तो 15 मिनट या 10 मिनट भी आप ले सकते हो, 15 मिनट होगा तो 3 मिनट होगा, 30 मिनट होगा तो 5 मिनट। तो पहले क्या देखना है कि प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड आ रहा है या लोअर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ जा रहा है, एंड अकॉर्डिंगली उसका लोअर टाइम फ्रेम वाला प्राइस एक्शन हम देखेंगे। तो पहले हम ये एक चार्ट लिया है निफ्टी का, सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट। तो यहाँ पे हम पहले इंडिकेटर में जाएंगे और इंडिकेटर में जाने के बाद बॉलिंजर बैंड को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका बॉलिंजर बैंड। तो क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो आपका ये बॉलिंजर बैंड हो गया। जैसे कि आप सभी जानते हो बॉलिंजर बैंड क्या है, बेसिकली ए 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, एंड अपर बैंड जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, और लोअर बैंड है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन का है। यानी ये 20 एवरेज पीरियड से प्राइस कितना 2% स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, दैट इज अबाउट बॉलिंजर बैंड। तो ऊपर का पार्ट हो गया अपर बॉलिंजर बैंड, नीचे का पार्ट हो गया लोअर बॉलिंजर बैंड। इसको हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि प्राइस कैसे आपका अपर बैंड से सेंटर बैंड में आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया, फिर यहाँ पे देखोगे प्राइस अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया, उसके बाद ऊपर गया। यहाँ पे देखोगे अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया है, यहाँ पे देखोगे अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया है, और आप यहाँ पे देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड में गया है, यहाँ पे देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड की तरफ गया है। यहाँ पे देखोगे अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया है, यहाँ पे देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, यहाँ पे देखोगे आप सेंटर बैंड से लोअर बैंड से सेंटर बैंड में गया है, यहाँ पे देखोगे सेंटर बैंड लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, आप यहाँ पे देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है, अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है, यहाँ पे देखोगे अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है। यानी यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा आपका ये हायर टाइम फ्रेम हो गया, ये कौन सा है, निफ्टी है। निफ्टी हायर टाइम फ्रेम अगर डेली है तो लोअर टाइम फ्रेम आवर्ली हो जाएगा। तो हम इसमें जीरो धा में क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट करके दो प्राइस एक्शंस पकड़ेंगे, ये डेली है तो इसको हम आवर्ली कर देंगे, यहाँ पे हम टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा जहां जहां हम पकड़ेंगे उस हिसाब से ये प्राइस एक्शन आता रहेगा। ये कौन सा डेट का है, 18 मई 2017। ये तो यहाँ पे देखिए जो अपर बैंड से सेंटर बैंड में आया तो प्राइस कहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ तक मूव किया, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट आ चुका है। तो हायर टाइम फ्रेम अपर बैंड से सेंटर बैंड आया,
एंड जब ये अपर बैंड से सेंटर बैंड तक जर्नी किया तो लोअर टाइम फ्रेम क्या करेगा, अपर बैंड से एकदम लोअर बैंड के तरफ आएगा। अभी इसमें हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, बाई के लिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। ये हमने एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लिया, जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया आपका बाई ट्रिगर हो गया, यहाँ पे बाई ट्रिगर हुआ, आपका स्टॉप लॉस ये लो के नीचे है स्टॉप लॉस, एंड टारगेट हो जाएगा, आप यहाँ पे कर रहे हो तो टारगेट है अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, यानी आपका हो जाएगा टारगेट, आप डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन द बेस्ड ऑन द हायर टाइम फ्रेम, तो आपका टारगेट यहाँ पे है यानी यहाँ पे है, तो आप देखोगे कितना आपका स्टॉप लॉस है, आपका स्टॉप लॉस इतना सा है, इतना पॉइंट का है 9420 एंड 9340 करीबन 80 रुपीस, एंड टारगेट कितना हो गया 9420 और हो गया आपका 9520, तो 100 पॉइंट्स, तो 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड है। उसके बाद हम दूसरा आइडेंटिफाई जो किए थे उसको देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक्शंस अब लोअर टाइम फ्रेम से सेंटर बैंड तक गया, ये देखिए प्राइस यहां से सेंटर बैंड में गया, जब ये यहां से सेंटर बैंड तक गया तो लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस अपर बैंड तक गया, जब प्राइस आपका अपर बैंड में गया तो हमें क्या करना है, सेल के लिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेना है, जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक किया आपका सेल ट्रिगर हुआ, और आपका जब सेल ट्रिगर हुआ यहां पे आपका सेल ट्रिगर हुआ, आपका स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर, यानी आपका 10,650, 10,600 यानी 100 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड, यानी आपका यहां तक आ जाएगा टारगेट, तो आपका 10,550 से 10,350 200 पॉइंट 50:1:4 का यहाँ पे आपको रिस्क रिवार्ड मिला। सिमिलरली हम चलते हैं नेक्स्ट, मान लीजिए ये वाला, तो देखिए जब प्राइस यहां से सेंटर बैंड तक आया ऑन हायर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर से यहां तक लोअर बैंड में, अपर बैंड से लोअर बैंड तक एक जर्नी किया, यहां पे आया तो ये सेंटर बैंड में आया, तो अभी हमें क्या करना है, हमें अभी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जैसे ही प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दिया आपका बाई ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे है, एंड टारगेट जो है आपका अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड ऑन हायर टाइम फ्रेम, यानी आपका टारगेट यहाँ पे है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना है 10,600 से आपका 487 यानी करीबन 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंड टारगेट कितना हो गया 10,600 से आपका 10,800 200 पॉइंट यानी करीबन 1:1.8। वो अलग बात है कि प्राइस और भी ऊपर गया है, अभी हम देखेंगे ये लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से आपका यहां तक गया है सेंटर बैंड तक गया, ये वाला प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड ऑन हायर टाइम फ्रेम, और लोअर टाइम फ्रेम में क्या किया, लोअर बैंड से ही एकदम हायर बैंड तक गया, तो यहाँ पे जब पहुंच गया ये है आपका एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस खींचेंगे, तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के नीचे यहाँ पे क्लोज दिया तो आपका सेल यहाँ पे ट्रिगर हुआ, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे, एंड टारगेट जो है लोअर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड यानी यहाँ, तो देखिए
11,600 एंड 11,700, 100 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस है एंड टारगेट यहाँ पे आपका 150 पॉइंट का, यानी 1:1.5। हालांकि मार्केट और भी नीचे गया है, ये वाला देख लेते हैं। प्राइस अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड से सेंटर बैंड में आया है, तो प्राइस जब अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, अपर बैंड से लोअर बैंड तक आया है ऑन लोअर टाइम फ्रेम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। जैसे ही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज दिया तो हमारा ट्रेड चालू हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया यहाँ पे। और टारगेट हो गया अपर पार्ट ऑफ द बोलिंजर बैंड ऑन हायर टाइम फ्रेम, यानी यहाँ पे। तो आपका जो स्टॉप लॉस कितना है, 11,235 से 11,090, यानी करीबन 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। एंड टारगेट कितना है, 11,235 से 27, यानी आपका 500 पॉइंट का टारगेट है, ऑलमोस्ट आपका 1:4, 1:5 का टारगेट है। ये हो गया आपका डेली वर्सेस आवरली। अभी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे आवरली वर्सेस 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का। तो आवरली में पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कहां कहां ये सेंटर बैंड में अटका है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड में गया है, यहाँ पे आप देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड में गया है, यहाँ पे आप देखोगे लोअर बैंड से सेंटर बैंड में गया है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, 15 मिनट का खींचेंगे, वहां पे हमने पकड़ा था इसको, हमने कहां पे उसको स्पॉट किया था, वो थोड़ा सा डेट हमने देखा नहीं, बिकॉज ऑफ विच, यहाँ पे ये वाला, यानी ये रिसेंट हो गया 2 मई का। तो ये हो गया 15 मिनट का, इसमें हम क्या करेंगे टाइम फ्रेम को कर लेंगे, तो ये आ गया था 17,000। ये देखिए हायर टाइम फ्रेम इज आवरली, ये आवरली, लोअर टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। तो जैसे हायर टाइम फ्रेम में प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस अपर बैंड तक गया है, वहां पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचेंगे, जैसे ही तोड़ा सेल एंड आपका नीचे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आपका ये वाला, ये अपार्टमेंट तक गया नहीं है लोअर टाइम फ्रेम में। उसके बाद वाला यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये गया है आपका, ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींच दिया तो आपका ये हो गया आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक किया नीचे। तो ये हो गया आपका आवरली वर्सेस 15 मिनट्स का। अभी हम देखेंगे 15 मिनट वर्सेस आपका 3 मिनट का। तो 15 मिनट में ले लेते हैं, तो 15 मिनट में कहां कहां ये अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है,
उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर में आप लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर बैंड से लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, उसके बाद आप यहाँ पे देखिए अपर बैंड से सेंटर बैंड तक है। चार पांच ही लेते हैं क्योंकि काफी वीडियो लंबा हो रहा है। ये कौन सा डेट का है? 4 अप्रैल का है, तो 15 मिनट वर्सेस 3 मिनट। वो कौन सा था डेट? ये देखिए अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है। तो आपका जब ये अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है, लोअर टाइम फ्रेम जो 3 मिनट है, ये ऊपर के पार्ट से लोअर तक के आया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे खींचेंगे एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के हाई के ऊपर जैसे ही क्लोज दिया बाई करेंगे, इसके लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट हो जाएगा ये इसका, जो जहां पे हाई था वहां। तो आपका ट्रीट सिमिलरली हम यहाँ पे और एक दिया था, ये वाला आइडेंटिफाई किया था, हालांकि ये गैप डाउन के लिए आपको मौका ही नहीं दिया, काफी नीचे हो गया। देखिए यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक किया नीचे सेल, उसके बाद मार्केट क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे गैप डाउन। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये वाला देखिए प्राइस, इसमें हम क्या करेंगे, ये बेसिकली परफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम पास आउट किया, तो हम इसको फिलहाल एज ऑफ नाउ हम इसको इग्नोर करेंगे। तो अभी हमने निफ्टी में देखा है, तो हम बैंक निफ्टी में देखते हैं। एक डेली में एक देख लेते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर जस्ट फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ये देखिए ये अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है, हालांकि काफी नीचे गया था, सो आई विल नॉट कंसीडर दिस। ठीक है, तो आवरली पे देख लेते हैं। आवरली पे आप देखिए ये दो ट्रेड सेटअप मिला है, तो ये आवरली है, तो लोअर टाइम फ्रेम आप 10 मिनट भी ले सकते हैं या 15 मिनट भी ले सकते हैं। प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है और यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर तक गया है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें एक ट्रेंड लाइन खींचना है सपोर्ट, जैसे ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दिया सेल, स्टॉप लॉस यहाँ पे एंटर। उसके बाद वाले में भी सिमिलर तरह। अभी हम देखेंगे इसको हम कुछ भी करेंसी पेयर्स में ले सकते हैं, मीन्स कुछ भी इंस्ट्रूमेंट में ले सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक रिलायंस में देख लेते हैं, आप कहीं पर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। प्राइस यहाँ पे देखिए लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है, उस टाइम पे लोअर टाइम फ्रेम में प्राइस कहाँ पे गया है, देखिए यहाँ तक गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दे देता है आपका सेल हो जाएगा, स्टॉपलेस इसके ऊपर है एंड टारगेट आपका यहाँ तक 1:3, 1:4 यहाँ पे मिला है। एनीथिंग एनीथिंग आप नाम लो कुछ भी आइटम का, हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका बजाज फाइनेंस, फिनसर बारे, ठीक है फिनसर बारे, तो हम बजाज फिनसर ले लेते हैं।
हमें क्या देखना है कि कहाँ पे ये आइदर अपर बैंड से सेंटर बैंड में गया है या लोअर बैंड से सेंटर बैंड तक गया है। ये वाला आप देख सकते हैं अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया है एंड उसके बाद वहां पे क्या हो गया आपका, ये देखिए। जैसे हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ट्रेंड लाइन के हाई पे क्लोज एंड तरफ कुछ भी ले लीजिए, एक्सिस बैंक ले लीजिए, ये देख लीजिए आपका। यहाँ पे देखिए अपर बैंड से सेंटर बैंड तक आया, थोड़ा सा नीचे गैप अप गैप डाउन ओपन हुआ था, यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला यहाँ तक आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जैसे ऊपर क्लोज दिया बाय एंड द यूएसडी आईएनआर देखना है। कुछ भी एनीथिंग एंड एवरीथिंग, डेटा का थोड़ा सा कमी है इसके लिए ज्यादा हमें प्राइस एक्शंस नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा आवरली में चेक कर लेते हैं। आवरली होगा तो इसको हम पंद्रह मिनट या 10 मिनट कुछ भी ले सकते हैं, लेटेस्ट है 10 मिनट। अभी आप देखिए प्राइस यहां से सेंटर बैंड तक आया है, प्राइस यहां से सेंटर बैंड तक आया है, दोनों केस में हम देखेंगे। यहां से जब सेंटर बैंड में आया है लोअर टाइम फ्रेम में नीचे आ चुका है, जैसे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, जैसे ही ऊपर गया आपका बाई स्टॉप लॉस यहाँ पे या एंड आपका टारगेट यहाँ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, यहाँ पर भी देख लीजिए सिमिलर ऊपर कुछ भी। यहाँ पे आप अगर 15 मिनट लेते हैं, लेट्स सी, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे सेंटर बैंड में गया है। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये वाला टाइम पे यहाँ से ऊपर गया है, तो इसमें हम 15 मिनट टू 3 मिनट पकड़ेंगे। बारह में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ले लेंगे समथिंग लाइक दिस, जैसे नीचे गया सर। तो आपका ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड के साथ हम और भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस कर सकते हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए फिलहाल आप ये सेटअप अंडरस्टैंड कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए और देखिए। जब जब हमेशा ये आपको सेटअप नहीं देगा, लेकिन जब जब आपको देगा तो आपको छप्पर फाड़ के देगा, मीन्स अच्छा खासा आपका प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो ये ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर, आपके फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो ये एक इंटेंशन है कि सम सॉर्ट ऑफ क्वालिटी सेटअप डिस्कस करना, वो आपके साथ हम डिस्कस कर पाए। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।